SSC, MTS, 10 प्लस 2, CGL, SSC GD कॉन्स्टेबल एग्जाम डेट को लेकर एक बड़ी खबर। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर देख लीजिएगा, लगातार अभ्यर्थियों को इंतजार हो रहा था कि कौन सा एग्जाम पहले होगा, तो इसको लेकर न्यूज़पेपर लाइव हिंदुस्तान टीम एक बड़ा न्यूज आर्टिकल पब्लिश किया गया एग्जाम को लेकर, क्योंकि देश भर में कोरोना के केसेज कम होते ही अलग अलग जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम है अलग अलग बोर्डों के द्वारा एग्जाम डेट घोषित कर दी गई। वही बात करें तो SSC के थ्रू दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम करवाया गया उसके फिजिकल भी 28 जून से शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे ही बात करें तो यहाँ पर जो एपकेट के एग्जाम की डेट जारी कर दी गई है, साथ ही DSSB के काफी एग्जामों की डेट जारी कर दी गई। ऐसे में SSC के थ्रू होने वाले 10+2, CGL और MTS के जो एग्जाम है वो कब होंगे और कौन सा एग्जाम सबसे पहले होगा, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आए। तो बिल्कुल दोस्तों, इसको लेकर पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताएं। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए और आगे आने वाली SSC भर्ती रिलेटेड हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और हम आपको डेली करंट अफेयर्स, डेली क्यूज, साथ ही टॉप 500 क्वेश्चनों की जो PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड करें और आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट SSC 10+2 या MTS का स्टडी मटेरियल रिक्रूटमेंट की जानकारी पाना चाहते हैं तो पहले कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम भी आप जरूर ज्वाइन कर ले। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर आप देख लीजिएगा SSC CHSL परीक्षा 2018 के नतीजे जारी हो चुके हैं। वही अब बात करते हैं 18,875 जो उम्मीदवार इसमें सफल हुए हैं, लेकिन दोस्तों इस बार की जो CBT टेस्ट होने वाला है 2020 का जो आपका जो SSC 10+2 है, CGL है, उसके साथ ही MTS का जो एग्जाम है का इंतजार हो रहा था, उसके बारे में हम पूरी जानकारी डिटेल से पर दोस्तों आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये SSC का ऑफिशियली कैलेंडर है जो कि SSC ने पहले जारी किया था। अब सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिएगा 17 नंबर पॉइंट आपका देख ले कि कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020, और इसका दोस्तों यहां पर एडवर्टाइजमेंट है वो 21 दिसंबर 2020 को आया था, और दोस्तों ये 25 जनवरी 2021 इसके फॉर्म भरे गए थे, और इसकी एग्जाम डेट थी वो आपके 29 मई से लेकर 7 जून तक इनका एग्जाम होना था, लेकिन इनके एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड के कारण। उससे पहले दोस्तों आपका जो 10+2 का एग्जाम था जो कि आपका एग्जाम होने वाला था अप्रैल में, लेकिन उसे भी कोविड के कारण पोस्टपोन कर दिया गया था। उसके बाद में SSC MTS की भी आपकी जो एग्जाम डेट है वो जारी कर दी गई। SSC MTS का अगर एग्जाम की बात करें तो SSC MTS का जो एग्जाम था वो 1 जुलाई 2021 से लेकर 20 जुलाई 2021 तक होना है। बिल्कुल दोस्तों, अभी तक इस एग्जाम को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर SSC MTS का एग्जाम जुलाई में हो जाएगा, क्योंकि जुलाई में तो सभी भर्ती प्रक्रियाएं आपकी शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे में MTS का जो एग्जाम डेट दे रखी है क्या उसी टाइम आपको आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा, SSC MTS का एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूं SSC के पहले कितने एग्जाम पेंडिंग है, इस पे डिपेंड करता है। और अगर बात करें तो SSC का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट 10+2, बिल्कुल 10+2 हायर सेकेंडरी जो रिक्रूटमेंट है उसका एग्जाम अभी पेंडिंग है, तो सबसे पहले आपका एग्जाम जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, क्योंकि जुलाई में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और जुलाई में 10+2 का एग्जाम है वो शुरू हो जाएगा, और 10+2 का एग्जाम जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में CGL कमांड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है जिसकी डेट है वो मई में होने था, लेकिन मई में एग्जाम नहीं हो पाया, उस CGL का एग्जाम यहां पर होगा। और CGL का एग्जाम होने के बाद में SSC MTS के जो भी कैंडिडेट है उन सभी का एग्जाम करवाया जाएगा। तो बात करते हैं SSC GD की, क्योंकि SSC GD के अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए हैं, और इसकी जो पहले का जो कैलेंडर जारी किया गया था जिसमें डेट दी गई थी आपके 25 मार्च को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने की, लेकिन कोविड के चलते नोटिस जारी करके इसे पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर इसकी जो एग्जाम डेट थी दोस्तों वो अगस्त थी। तो अगस्त में क्या एग्जाम हो पाएगा, तो बिल्कुल आपका एग्जाम अगस्त में नहीं होगा। SSC GD का एग्जाम है लगभग नवंबर और दिसंबर तक जाने वाला है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपका एग्जाम होगा, सबसे पहले एग्जाम आपका 10+2 का होगा जो कि जुलाई में शुरू होने के पूरे पूरे चांसेस है।
उसके बाद में आपका CGL का होगा और CGL के बाद में ही आपका यहाँ पर SSC MTS का एग्जाम होगा। अगर बात करें SSC MTS की तो लगभग आपका एग्जाम अक्टूबर के लगभग होने के चांसेज है। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और SSC के रिगार्डिंग हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।